फतेहाबाद में नशे के बढ़ते कारोबार पर रिएक्शन देते हुए दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल फतेहाबाद में ही नहीं बल्कि अंबाला से लेकर सिरसा तक बॉर्डर के इलाके में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। गुड़गांव के हर पब और ढाबा पर नशे का कारोबार पुलिस की निगरानी में चल रहा है। गृह विभाग मुख्यमंत्री के अंदर है, उनके अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। मनीष ग्रोवर पर FIR दर्ज होने पर दुष्यंत चौटाला ने बोला कि मनीष ग्रोवर पर मुकदमा दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, सरकार पर दबाव बढ़ रहा था इसलिए करना पड़ा। सिरसा में किसानों के जल समाधि लेने के मामले पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बारिश अच्छी हुई है, इसके बाद भी सरकार वहां के किसानों को पानी नहीं पहुंचा पा रही है। हरियाणा के हिस्से का पानी वो दिल्ली को दे रही है। प्रधान जी बोल रहे थे कि सरकार ने दूध पे भी पाबंदी लगा दी, भी एक लीटर से ज्यादा दूध बेचोगे तो उसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा। आपके शाहबाद की टैंकी के ऊपर सूरजमुखी वाले किसान किस तरीके से 6 दिन बैठे रहे, सरकार को फिर जाके शर्म। पिछली बार तो मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, लोगों को जेल भरनी पड़ी। आज सरसों की क्या हालत थी कि 25 क्विंटल से ज्यादा किसी का दाना नहीं खरीदा इस सरकार, पर अब भी कह दिया कि जिसके गन्ना है अगर वो 31 तारीख तक आज तक ब्यौरा नहीं देगा ऑनलाइन। कुरुक्षेत्र से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।